नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल GKYS वर्मा सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है, चार डेट में एग्ज़ाम हुआ है, उसकी कट ऑफ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि उसकी कट ऑफ की चर्चा सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन रहा है आजकल। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में। चार डेट में जो एग्ज़ाम हुआ, कितने कैंडिडेट और कितनी कट ऑफ रहेगी और कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, इस बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं हरियाणा ग्रुप डी की। टोटल पोस्टें हैं 18,218 और इसमें लगभग जो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं उसमें लगभग है 18,000 कैंडिडेट ने 18 लाख कैंडिडेट ने फार्म अप्लाई किया था, लेकिन उसमें कुछ कैंडिडेट अपसेंट भी हो गए थे। तो उनमें लगभग 13 से 14 लाख कैंडिडेट ने ही एग्ज़ाम फेस किया, जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की और कितने लोगों ने तैयारी करी थी उसके बारे में। तो दोस्तों, टोटल अप्लीकेंट के बारे में बात करें तो वो थे 18 से 19 लाख। दोस्तों, इतने कैंडिडेट इस कारण थे क्योंकि इनमें से 3 से 4 लाख कैंडिडेट तो जो हमारे नज़दीकी स्टेट है उनसे हो गए थे। पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, यूपी हुआ, और तो और दोस्तों दुनिया बिहार से भी आई हुई थी इस बड़ी भर्ती को देखने के लिए। लेकिन दोस्तों, उसमें 5% सीटें ही उनके लिए अवेलेबल है। उन 5% सीटों पे उन लोगों की फाइट होगी, तो इनमें से 3% तो वो निकल गए कि मान लो 18 में से 5 लाख के लगभग जो विदेशी दूसरे राज्य से कैंडिडेट है वो हो गए। तो इसमें से उसके बाद बचते हैं 13 लाख कैंडिडेट। अब दोस्तों, बात आती है कि हाउ मैनी कैंडिडेट प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम के लिए जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ उसकी तैयारी की थी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि 18 से 19 लाख अप्लीकेंट थे, उसमें से लगभग 4 से 5 लाख तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट थे, उनके लिए 5% सीटें थी। अब 95-95% सीटें रहेगी, लगभग 18,000 के लगभग सीटें रहेगी। उन सीटों के लिए जो कैंडिडेट थे उनमें से कितने लोगों ने तैयारी करी है। दोस्तों, सभी 10th क्लास तो सभी पास कर लेते हैं, उसके बाद आता है कि एग्ज़ाम की तैयारी किसने की होगी। दोस्तों, इसमें से लगभग 2 लाख ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने तैयारी की होगी। उसके बाद जो बचे हुए कैंडिडेट हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए, फेस करने के लिए आए, और अब ये सोच के आए कि कहीं ना कहीं से हमारा तुक्का लग जाएगा तो हमारा ज्वाइनिंग आ जाएगी और हम क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसमें से लगभग 2 से 2.5 लाख कैंडिडेट ही ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी थी और एग्ज़ाम अच्छे से फेस किया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टोटल कैंडिडेट थे 18 से 19 लाख और उसमें जो अदर स्टेट के थे वो 3 से 4 लाख कैंडिडेट इन्वॉल्व थे। अब बात करते हैं दोस्तों प्रिपरेशन कितने लोगों ने की होगी, वो है 2.5 से 3 लाख। और दोस्तों, ये 2.5 से 3 लाख वो ही कैंडिडेट हैं जो हर भर्ती में आगे मिलते हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस की हो, क्लर्क की हो, ग्रुप डी की हो, या कोई और भर्ती जो अभी पेंडिंग में रह चुकी है, उन भर्तियों के कैंडिडेट हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे वैसे वैसे ये इन कैंडिडेट की तादाद कम होती जाएगी। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ की दोस्तों पहले तो हाई रहेगी, लेकिन जैसे जैसे कैंडिडेट अपने इस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में जाते रहेंगे या ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो आपका नाम आ सकता है। दोस्तों, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में मैं बता देता हूँ कितनी रह सकती है उसके बारे में। अब दोस्तों, बात करते हैं कट ऑफ की, कि एग्ज़ाम की कट ऑफ किस कैटेगरी की कितनी रहने वाली है उसके बारे में, और किसका सिलेक्शन फाइनल माना जाएगा उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, तो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी कट ऑफ है वो है 60 एंड अबव। जिसके 60 नंबर हैं वो अपने आप को लगभग क्लियर समझे, उसका एग्ज़ाम, उसका जो है लिस्ट में नाम आएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लिस्टें लगभग इसमें जारी होंगी।
क्योंकि जो पहले लिस्ट में आएगा वो टॉप टॉप के टॉप लोगों के आएगा, जो लगभग हर भर्ती में एग्जाम क्लियर करते हैं, लेकिन वो उस भर्ती को लिए ज्वाइन नहीं करेंगे। और सेकंड लिस्ट में और थर्ड लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, जिसके मिनिमम 60 नंबर होंगे उसका नाम आ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रहने वाली है इसके बारे में। अगर दोस्तों आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 52 52 नंबर है या उससे अबव है तो आपका नाम लगभग आ सकता है कि आपका नाम फर्स्ट या सेकंड या थर्ड लिस्ट में आपका नाम ज़रूर आएगा और आप ज्वाइनिंग ज़रूर प्राप्त करोगे। अब आता है दोस्तों सबसे लास्ट में, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कितने मार्क्स चाहिए या कितने नंबर होने चाहिए जब उनका सिलेक्शन फाइनल माना जाएगा या लिस्ट में नाम आएगा। तो दोस्तों एससी कैटेगरी के लिए अगर दोस्तों आपके 47 नंबर हैं और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप निश्चिंत हो जाइए अगर आपके 47 नंबर या इससे अधिक नंबर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ऊपर जो है मैक्सिमम लोग वो वही लोग हैं जो लगभग हर भर्ती में टॉप करते हैं और एक से दूसरी जॉब में जाते हैं, और वो जो ग्रुप डी की भर्ती है उसमें नहीं रहेंगे, वो दूसरी जॉब में चले जाएंगे। जैसे कि हरियाणा पुलिस है, कंडक्टर की भर्ती है, उसमें लगभग 10 से 12 हज़ार कैंडिडेट है, वो इन भर्तियों में नहीं रुकेंगे और उन भर्तियों में चले जाएंगे। और दोस्तों जो पोस्ट की बात करें वो लगभग जल्द से जल्द खाली हो जाती है, खाली होने के बाद या तो फिर ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, ज्वाइनिंग लेंगे तो जल्द ही दूसरी पोस्टों का रिजल्ट आती है, वो वहाँ चले जाएंगे और उसके बाद पोस्ट खाली हो जाएगी। और जो कैंडिडेट अब रहते हैं उनको फिर से दोबारा से लेटर निकाल के दोबारा से ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये है कट ऑफ का पूरा जो है आंकड़ा, कि क्या कट ऑफ रहेगी, कितने कैंडिडेट है और क्या कितने ने एग्जाम दिया और कितने ने तैयारी करी है। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तब वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, आपका दिन शुभ।